गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एमीन की केमिकल प्रॉपर्टी की, जिसमें हमने दो रिएक्शन पढ़ी और जिसमें एक में हमने डिफरेंस किया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है इसकी, वो आती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का क्या कराना है अपने को, ऑक्सीकरण कराना है यानी कि ऑक्सीडेशन कराना है। और ऑक्सीडेशन का मतलब मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन इंक्रीज होना, या फिर हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का क्या होना, कम होना। जब भी रिडक्शन की बात आती है तब हमें कहते हैं कि हाइड्रोजन का बढ़ना और ऑक्सीजन का कम होना। तो अपने पास ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं, इसका मतलब या तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या इंक्रीज होने वाला है यानी कि बढ़ने वाला है, या फिर उसमें से हाइड्रोजन क्या होने वाला है, कम होने वाला है, तब हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम जो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे वो किसके प्रेजेंस में कराएंगे, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में, या H2SO5 यानी कि पर एसिड की प्रेजेंस में, पर एसिड की प्रेजेंस में। तो जब 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का ऑक्सीडेशन हम हाइड्रोजन परऑक्साइड या पर एसिड की प्रेजेंस में क्या करते हैं, कंप्लीट करवाते हैं, तो 1 डिग्री एमीन अलग प्रोडक्ट बनाता है, 2 डिग्री एमीन अलग प्रोडक्ट बनाता है और 3 डिग्री एमीन है वो अलग प्रोडक्ट बनाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन बाई ऑक्सीडेशन, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में ऑक्सीडेशन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के, 3 डिग्री एमीन के अंदर। डिफरेंस किससे करना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड या पर एसिड की प्रेजेंस में क्या करानी है, उसकी क्या करानी है, रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 डिग्री एमीन फॉर्मूला लिख लिया, RNHHH, यानी कि नाइट्रोजन के पास अगर अपने पास दो हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री एमीन है, अगर नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है तो वो अपनी 2 डिग्री एमीन है, और नाइट्रोजन के पास अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या है अपने पास, 3 डिग्री एमीन है, जिसका डिस्कस हम पहले कर चुके हैं। तो 1 डिग्री एमीन का क्या कराना है अपने को, ऑक्सीडेशन करवाना है। यहाँ पर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बना रखा है बॉन्डिंग पोजिशन में, एक का एल्किल ग्रुप के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं और ये अपने पास ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन उसमें जोड़ देंगे। इन दोनों में से हम किसी की भी प्रेजेंस ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंस ले ली है पर एसिड की, H2SO5 पर एसिड की हमने प्रेजेंस ली, और प्रेजेंस लेकर जब ये रिएक्शन कराते हैं, ये आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी अगर अटम है या कोई मोलिक्यूल्स है, रिएक्शन वो तभी करता है जब वो अपना क्या करना चाहता है, ऑक्टेंट कंप्लीट करना चाहता है। तो इसको ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है जो फ्री है इसके पास, जो कोई यूज नहीं ले रहा है, बिल्कुल आराम से ठाली पड़े हैं, हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं एकदम फ्री पड़ा है, नुगा भाई तू इसको काम में ले सकता है। तो इसने ये दोनों लोन, कहने का मतलब ये लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा RNHH, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना किसके साथ बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मींस नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यानी कि अपना लोन पेयर तो दे रहा है लेकिन ऑक्सीजन से वापस लोन पेयर नहीं ले रहा, तो हम यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, या हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं वापस नहीं लिए जाते, तब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कौन सा बना है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में हमेशा एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में, जिसमें 50% कोवेलेंट बॉन्ड के करेक्टर हैं और 50% आयनिक बॉन्ड के क्या हैं, करेक्टर हैं। तो ये वाला प्रोडक्ट बना, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है। और मैंने रीअरेंजमेंट का मतलब बताया था, मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो इसकी बॉन्डिंग पोजिशन क्या आ जाएगी, RNHOH। किस प्रकार का प्रोडक्ट बन गया, आर, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो NH, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला गया तो क्या हो गया, OH, RNHOH, RNHOH। इसका नाम लिखें तो हम क्या लिखें,
आपको ध्यान हो जब हमने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक ऐसा फॉर्मूला हमने लिखा था जिसको हमने लिखा था हाइड्रोक्सिल एमीन, जिसको हमने लिखा था हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन को भी हमने कैसे बनाया था कि अपने पास जो अमोनिया होती है अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, तीन हाइड्रोजन होते हैं, और इस एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हमने किसके द्वारा कर दें, OH ग्रुप द्वारा कर दें। एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हम किसके द्वारा कर दें, OH ग्रुप द्वारा कर दें, तो क्या बनती है अपने पास, हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है। तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला ये है, और इसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर, इस हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ा है, आर एल्किल ग्रुप जोड़ा है, तब ये वाला फॉर्मूला बना है। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एन के ऊपर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये वाला प्रोडक्ट है वो क्या होता है, बनता है। तो एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन अपने पास एक नया प्रोडक्ट बनता है, 1 डिग्री एमीन ऑक्सीडाइज होकर फिर उसमें रीअरेंजमेंट होकर क्या बनता है अपने पास, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है। हाइड्रोक्सिल एमीन नाम हमने कैसे लिखा, उसका रीजन मैंने बताया, यह हाइड्रोक्सिल एमीन है। हाइड्रोक्सिल एमीन इस प्रकार से बनती है कि जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप द्वारा हटाते हैं तो बेस बनता है अपने पास, सिप बेस जिसको हम बोलते हैं, सिप चार्ज जिसको बोलते हैं। अगर OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तब अपने पास क्या बनती है, हाइड्रोक्सिल एमीन बनती है। और यहाँ पर यदि हम एक NH2 ग्रुप द्वारा रिप्लेस कर दें तो हाइड्रोजन बनती है, और एनिलीन द्वारा रिप्लेस कर दें तो फेनिल हाइड्रोजन बनती है। जहाँ पर हमने 2,4-DNP बनाया था, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जो एल्डिहाइड और कीटोन की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो वाली रिएक्शन में हमने ऐसा नाम लिखा था। नेक्स्ट अपने पास आती है 2 डिग्री एमीन। 2 डिग्री एमीन का फॉर्मूला R, N, R और H, ये वाला फॉर्मूला, ये इसके पास लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा पर एसिड की प्रेजेंस में, सेम टू सेम वही लोन पेयर इसको देगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा R, N, R, H, और यहाँ पर क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने के बाद इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, तो अपने पास फॉरवर्ड क्या बन जाएगा, R, N, R, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला गया। तो नाइट्रोजन के पास 2 एल्किल ग्रुप बचे और एक क्या बच गया, OH ग्रुप आ गया। तो ये अपने पास एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम हम क्या लिखेंगे, वही है सेम टू सेम हाइड्रोक्सिल एमीन, नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्किल ग्रुप आए हैं तो हम क्या लिख देंगे, एन एन डाई एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन अपने 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करने पर बना। यही रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, 3 डिग्री एमीन के साथ कराएं। तो 3 डिग्री एमीन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो अपना प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मूला है अपने पास, नाइट्रोजन के ऊपर 3 एल्किल ग्रुप ऑक्सीडेशन कराएंगे पर एसिड की प्रेजेंस में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा R, N, R, R, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। रीअरेंजमेंट होगा नहीं क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ट्राई एल्किल नाइट्रोजन, या फिर हम लिख सकते हैं NNN, ट्राई एल्किल, और नाइट्रोजन के साथ में क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया, क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया। तो ये अपने पास एक नया कंपाउंड बना। तो इस प्रकार से हम तीनों के साथ 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन तीनों के साथ किसकी रिएक्शन कराएं, क्या कराएं, उसका ऑक्सीडेशन कराएं पर एसिड या हाइड्रोजन प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो अपने पास ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं और तीनों प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। इसका मतलब हम इस रिएक्शन द्वारा भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो अपने पास हिंजबर्ग रिएजेंट द्वारा हमने डिफरेंस कर लिया, और उसके बाद अपने ऑक्सीडेशन द्वारा इसमें डिफरेंस कर लिया। इससे पहले हम कार्बिल एमीन द्वारा भी उसमें डिफरेंस कर सकते थे 1 डिग्री एमीन का, यानी कि 1 डिग्री एमीन का टेस्ट हम कर सकते थे। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन से भी हम 1 डिग्री एमीन का क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, यानी कि 1 डिग्री एमीन है वो हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन 1 डिग्री एमीन देता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन 1 डिग्री एमीन देता है। उसके बाद हिंजबर्ग रिएजेंट आ गया और अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन ये वाली आ गई कि ऑक्सीडेशन द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है, वो आता है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ हम रिएक्शन कराएं 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की, या फिर हम ये कह दें कि नाइट्रस एसिड से भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। तो नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद
नाइट्रस एसिड, यानी कि नाइट्रस एसिड के साथ हम क्या कराएं, इसकी रिएक्शन कराएं। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, HNO2। इस प्रकार से इसकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है, ये वाली नाइट्रस एसिड। और यदि हम लिख दें HNO3 तो ये क्या कहलाता है, नाइट्रिक एसिड कहलाता है। और ये वाला क्या है, नाइट्रस एसिड है। नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड, इसका नाम इस प्रकार से लिखने का रीजन भी हम पहले लिख चुके हैं शायद, और पहले पढ़ चुके हैं अपने पास एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में, जब हमने एरिल हैलाइड बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था उसमें। नाइट्रस एसिड कहा है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और इसको नाइट्रिक एसिड कहा है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास कम आती है तो लास्ट में लगाते हैं अस, और जब ज़्यादा आती है तब क्या लगाते हैं, इक, जैसे क्यूप्रिक, स्टेनरस, स्टेनरिक, जैसे यहाँ पर हमने लिखा नाइट्रस, नाइट्रिक। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तब हम उसको क्या लिखेंगे, लास्ट में इक जोड़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा लास्ट में क्या जोड़ेंगे, अस, जैसे फेरस, फेरिक। तो FeCl2 का नाम लिखें, FeCl2 का नाम, तो हम इसका नाम लिखेंगे फेरस क्लोराइड। और FeCl3 का नाम लिखें तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे, फेरिक क्लोराइड। तो ये फेरस क्लोराइड है और ये फेरिक क्लोराइड। रीजन क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन +2 और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी हम क्या जोड़ते हैं, उसके लास्ट में अस और इक जोड़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम रहती है अपने पास तो अस जोड़ेंगे, ज़्यादा रहेगी तो क्या जोड़ेंगे, इक जोड़ेंगे। तो ये अपने पास नाइट्रस एसिड लेना है, 1 डिग्री एमिन के साथ रिएक्शन करानी है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है RCS2NH2, यानी कि 1 डिग्री एमिन मैंने ली है। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, HNO2 के साथ हम इसकी क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे। तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सबसे इजी रिएक्शन है। सबसे इजी रिएक्शन क्या है, हमने पीछे पढ़ा है कि एमीन जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से। और इसका नाम हमने क्या लिखा है, नाइट्रस एसिड नाम लिखा है। एसिड और बेस रिएक्शन करके हमेशा क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। ये हम 10th क्लास से रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाटर बना लें। वाटर के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर बनने वाला है वो कितने बनने वाला है, 2H2O बनने वाला है, क्योंकि दोनों अगर ऑक्सीजन हटाएंगे तो 2 मोल H2O के बनने वाले हैं। 2 मोल H2O के बनने वाले हैं तो सिंपल सी बात है, 4 हाइड्रोजन हटाने, तो 1 हाइड्रोजन ये हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे, तो टोटल 4 हाइड्रोजन अपने को हटाने हैं यहाँ से, जबकि हटे कितने हैं अपने पास, 2। तो इसके क्या ले लेंगे हम, इसके साथ एक और क्या लेना है, HX भी लेना है। क्या लेना है, HX लेना है। नाइट्रस एसिड कैसे बनाते हैं हम, मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ यहाँ पर, नाइट्रस एसिड बनाते हैं हम, NaNO2 की रिएक्शन हम 2 मोल HX के साथ करवाते हैं। क्या कराते हैं, 2 मोल HX के साथ, यानी दोनों मोल में अलग अलग लिख रहा हूँ, HX और HX। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो यहाँ से Na और यहाँ से X, NaX बाहर निकल जाएगा और ये H इसके साथ आकर जुड़ेगा, तो HNO2 तो यहाँ से बन गया और वो HX एक मोल एक्स्ट्रा रह गया है, तो ये वाला HX और लेना है साथ में। तो 2 मोल H2O के निकालेंगे तो 4 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 2, 1, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन तो ये हट गए और 2 ऑक्सीजन ये हट गए, तो अपने पास प्रोडक्ट बनता है RN2X, एल्किल डाई एजोनियम साल्ट, एल्किल डाई एजोनियम साल्ट अपने पास है बनता है, बना हुआ एल्किल डाई एजोनियम साल्ट। यहाँ पर जो वाटर बना है, मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ पर जो वाटर बना है वो एल्किल डाइजोनियम साल्ट के साथ क्या कर लेता है, वापस रिएक्शन कर लेता है। यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, HX, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाता है, N2। तो यहाँ से HX बाहर निकल गया और N2 बाहर निकल गया, ये OH इस R के साथ जाकर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ROH, और ROH का मतलब है हमारे पास क्या बना है, एल्कोहल बना है। क्या बना है, एल्कोहल। तो 1 डिग्री एमीन नाइट्रस अम्ल यानी कि HNO2 + HX के साथ रिएक्शन करती है तो एल्किल डाइजोनियम साल्ट बनाता है, और एल्किल डाइजोनियम साल्ट वापस वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, एल्कोहल बना रहा है। तो हम सीधा ये कहेंगे कि 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो ये एल्किल डाइजोनियम साल्ट है, ये याद रखना, अनस्टेबल होगा, जबकि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट जो होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं, ये इस एमीन का लास्ट लेक्चर है, इसके बाद जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, यानी कि एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट। ये एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि
कि एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट है वो अस्थाई होता है, जबकि एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। यानी कि एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट इज अनस्टेबल बट एरोमेटिक डायजोनियम साल्ट इज स्टेबल। वाई तो हम सीधा सीधा ये लिखेंगे कि ये रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है इसलिए ये क्या है, स्टेबल रहेगा। ये रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा इसलिए क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो 1 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। याद रखना 1 डिग्री एमीन में मेथिल एमीन नहीं लेना है, क्योंकि मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इथर बनाता है, जिसको हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो नेक्स्ट आता है अपने पास 2 डिग्री एमीन। ये अपने पास 2 डिग्री एमीन हमने ले लिया। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे। तो मैं नाइट्रस एसिड को इस प्रकार से लिख देता हूँ, नाइट्रस एसिड को मैंने स्ट्रक्चर में लिख लिया है। यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये एसिड और बेस है, आपस में क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे, RNR, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O। तो ये पास अपने पास एक नया कंपाउंड बनेगा जिसको हम कहेंगे येलो ऑयली कंपाउंड। येलो ऑयली कंपाउंड यानी कि पीला तेलीय द्रव्य पदार्थ अपने पास क्या होता है, बनता है। ठीक इसी प्रकार से 3 डिग्री एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके अपने पास क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, नाइट्रेट साल्ट बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रेट साल्ट बनाता है। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो एमीन की रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। एमीन की रिएक्शन में सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात देखो हमने क्या पढ़ी है, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शन के साथ कर रहे हैं, कौन कौन सी रिएक्शन के साथ हम नहीं करवा रहे हैं। तो देखो सबसे पहले डिफरेंस करने के लिए अपने पास पहली रिएक्शन जो आ गई, डिफरेंस करने के लिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट डिफरेंस करने के लिए, कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसको हमने लिखा था आइसोसाइनाइड टेस्ट। 1 डिग्री एमीन के साथ टेस्ट देता है और एक अनप्लीसेंट स्मेल आती है, यानी कि अरुचिकर गंध आती है। 1 डिग्री एमीन के साथ टेस्ट देता है। नेक्स्ट हमने लिखा हाफमान मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करता है, एल्किल थायो आइसोसाइनेट बनाता है। यहाँ पर आइसोसाइनेट बन रहा था, अनप्लीसेंट स्मेल आ रही थी, यहाँ पर एल्किल थायो आइसोसाइनेट बनता है जिसमें मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल आती है। नेक्स्ट अपने पास जो था वो था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करा रहे थे 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन है वो क्या बना रहा था, बेस में सोलूबल, क्षार में विलय, एक कंपाउंड बना रहा था क्षार में एविले। 1 डिग्री एमीन बेस में सोलूबल कंपाउंड बना रहा था, 2 डिग्री एमीन है वो बेस में अनसोलूबल कंपाउंड बना रहा था, और 3 डिग्री एमीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। नेक्स्ट अपने पास चौथा जो हमने लिया वो लिया ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो 1 डिग्री एमीन 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन से अपने पास क्या बनना था, एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। 2 डिग्री एमीन क्या बना रहा था, N-N-dialkyl hydroxyl amine बना रहा था, और 3 डिग्री एमीन क्या बना रहा था, ऑक्साइड बना रहा था। और अपने पास पांचवा जो हमने लिया वो लिया नाइट्रस एसिड में 1 डिग्री एमीन जो है वो क्या बना रहा था, एल्कोहल बना रहा था। 2 डिग्री एमीन है वो येलो ऑयली कंपाउंड बना रहा है, और 3 डिग्री एमीन है वो क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है। तो हम इन 5 तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं। ये 3 तरीके तो ये हो गए इनमें डिफरेंस करने के लिए, और ये वाले 2 रिएक्शन हो गई क्या करने के लिए, इनका टेस्ट करने के लिए। मेरे हिसाब से एमीन है वो कंप्लीट हो गया, और हम जो पढ़ा रहे हैं अगर आपने उतना पढ़ लिया काफ़ी सफिशियंट मैटर है। इनसे बाहर अपने पास कोई क्वेश्चन भी नहीं जाने वाला है, क्योंकि 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा है कि इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, और मेरा ये मानना है कि आप सभी इंटरेस्ट लेके पढ़ भी रहे हो और मज़े लेकर पढ़ रहे हो। और मेरा ये भी मानना है कि कोई भी काम हो हमेशा मज़ा लेकर ही करना चाहिए, क्योंकि मज़े से जो काम किया जाता है
उसमें आनंद ही क्या आता है, अलग आता है। वैसे अपनी क्लास वाली बात अलग है और ये वाली बात अलग है, थोड़ा अलग महसूस होता है। टीचर जब पढ़ाता है उसको भी थोड़ा अलग महसूस होता है, और जब बच्चा पढ़ता है तो ऑनलाइन क्लास का प्लेटफॉर्म है उसमें थोड़ा वो भी अलग महसूस करता है, क्योंकि उसको क्लास जैसा माहौल अपने को नहीं मिल पाता। लेकिन आप खुद घर पे बैठ के भी क्लास जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हो। सिंपली अपने एकांत में बैठे इंजॉय करके पढ़ा, जितना पढ़ने का मन किया उतना पढ़ा, बंद कर दिया, लेकिन इंजॉय लेकर और इंटरेस्ट लेकर जब तक पढ़ोगे मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहती है आप डाउट क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो डायरेक्ट संपर्क करके। ये नहीं करा कि केमिस्ट्री में भी ऐसा कर सकते हो, आप हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा कर सकते हो, और इन्जॉय के साथ पढ़ो। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन डायोजीनियम साल्ट, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में दो एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़े थे, उसमें लगभग रिएक्शन है वो सारी की सारी हम पीछे पढ़ चुके हैं या फिर इन्हीं में से हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा बेंजीन डायोजीनियम साल्ट, और उसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि वो नया टॉपिक जुड़ा है और उसमें से लगभग एक या दो क्वेश्चन अपने से जरूर पूछे जाते हैं। तो ये अपने दो टॉपिक यानी कि तीन, एक नाइट्रो कंपाउंड, तीसरा टॉपिक और बच गया है जिसको हम जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आप मज़े के साथ पढ़िए और मज़े के साथ हमारे साथ रहिए। धन्यवाद।